हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज देखिए आपके साथ इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये डिज़ाइन और ये पैटर्न देखिए हमारा कितना सुंदर, कितना प्यारा डिज़ाइन है ना, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। इसे आप मनचाहे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, चाहे लेडीज़ के लिए आप कुछ भी बनाइए, कार्डिगन जैकेट उसमें डाल लीजिए, बच्चों के लिए कुछ भी बनाइए उसमें डाल सकते हैं, कैप में, सॉक्स में, ग्लव्स में, जेंट्स के स्वेटर में, फुल कार्डिगन में, किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे ना, हर एक में ये इतना ही सुंदर लगेगा। चाहे आप 3-ply वूल से बनाएं, चाहे गोल वूल से बनाएंगे तो भी ये ऐसा ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनेगा। बनाने में भी ये बहुत ज़्यादा आसान डिज़ाइन है और इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो चार चार फोर के मल्टीपल से, जैसे ये फोर फंदे इस तरह से आपने करते हुए जाना है। लास्ट में एक फंदा पैटर्न को इक्वल करने के लिए और दो फंदे दोनों तरफ से एक एक फंदा एच स्टिच का होना चाहिए। फोर फोर के मल्टीपल से डालते जाइए फंदे और 3 फंदे एक्स्ट्रा होंगे तो ये पैटर्न आपका अच्छे से सेट हो जाएगा। बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये हमारा, सीधी तरफ से इस तरह से और उल्टी तरफ से ये इस तरह से बनता है। दोनों तरफ से बहुत ही फिनिशिंग से ये डिज़ाइन बनकर आता है। इसे बनाने के लिए यहाँ पर सिलाई में मैंने फंदे ले लिए हैं, 4-4 के मल्टीपल से 16 फंदे और 3 फंदे एक्स्ट्रा, टोटल ये 19 फंदे लिए हैं मैंने सिलाई में, 19 फंदे। फंदे लेने के बाद आपने नीचे कोई भी बॉर्डर बना लेना है। बॉर्डर बनाने के बाद इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आप ये वाला ही बॉर्डर बनाना चाहते हो तो देखिए, ये वाले बॉर्डर की वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पर डाली हुई है, आप वहाँ पर देख सकते हो। नहीं मिलेगी मेरे को बता देना, मैं लिंक सेंड कर दूँगी इस तरह से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं डिज़ाइन की। फर्स्ट रो जो सीधी तरफ से हमने बनानी है, फर्स्ट फंदे को पहले उतारेंगे, ये एस्टिच का फंदा है, उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। एक फंदा उल्टा बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब इस फंदे को ऐसे एक दो बार धागा घुमाते हुए इसे सीधा बना लेंगे। अब दो फंदे सीधे, एक और ये दो, इस तरह से। अब इस एस स्टिच को फंदे को छोड़ दीजिए। यहाँ से यहाँ तक जितना डिज़ाइन है इसी डिज़ाइन को आपने बार बार रिपीट करते जाना है। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदे को सीधा बनाएंगे, लेकिन दो बार धागा लपेटते हुए, दो फंदे सीधे, फिर से इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब ये एक फंदा सीधा बनाएंगे, लेकिन एक दो बार धागा लपेटेंगे सिलाई पर, फिर दो फंदे सीधे, एक और ये दो, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब इस फंदे को सीधा बनाएंगे, लेकिन एक दो बार धागा लपेटेंगे, फिर दो फंदे सीधे, एक दो। एक बार फिर से इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, लेकिन एक दो बार धागा लपेटना है हमने, ठीक है। फिर इसे सीधा बना लेना है, फिर दो फंदे सीधे। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की पूरी रो आपने बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट में ये दो फंदे बचेंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ करते हुए एक फंदा सीधा, इस तरह से। ऐसे करते हुए ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो हो गई। अब सेकंड रो हमारी उल्टी तरफ से, तो पहले एस स्टिच के फंदे को उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये एक, ये दो फंदे उल्टे। अब इस फंदे को ऐसे खोल लेंगे, जिस फंदे को दो बार धागा लपेटा था ना, इसे खोल लेंगे, इसे बुनेंगे नहीं, इसे ऐसे ही रखेंगे। अब इस एस्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक जितना डिज़ाइन है सेकंड रो में आपने सेम ऐसे ही रिपीट करते जाना है। एक फंदा सीधा बनाएंगे, दो फंदे उल्टे। अब इस फंदे को जिस पर दो बार धागा लपेटा था सीधी तरफ से, इसे खोल लेंगे, इसे बुनेंगे नहीं, ऐसे ही रखेंगे। धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए दो फंदे उल्टे। अब ये एक और ये दो फंदे उल्टे बनाने के बाद अब इस फंदे को इस तरह से खोल लेंगे, ठीक है। फिर से धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे। अब इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही खोलेंगे।
धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक, ये दो, दो फंदे उल्टे, इस फंदे को ऐसे ही खोल लेंगे। लास्ट में ये दो फंदे बचेंगे, धागा दूसरी तरफ करते हुए एक सीधा एक उल्टा। ऐसे करते हुए डिजाइन की ये सेकंड रो हमने पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब रो थर्ड, सेकंड रो के बाद ये थर्ड रो आई हमारी सीधी तरफ से, ये भी बहुत इजी रो है हमारी। फर्स्ट फंदे को हमने उतार देना है, धागा अपनी तरफ करते हुए एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। ठीक है, उल्टा फंदा बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब ये वाला हमारा एक फंदा है ना, इसे हमने यहाँ पर करना है, इन दो फंदों को आगे करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, पीछे से ऐसे इन दो फंदों में ऐसे स्लाइड डाली पीछे से। अब इस फंदे को, लंबे फंदे को ऐसे निकाल दिए सिलाई में से, इस फंदे को हम यहाँ ले लेंगे, इन दोनों फंदों को आगे ले आएंगे इस तरह से। ठीक है, फिर तीनों फंदों को सीधा बना लेंगे, एक दो तीन। अब इस एस स्टिच के फंदे को जोड़कर यहां से यहां तक जितना डिजाइन है, इसी डिजाइन को पूरी सिलाई में हमने बार बार रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाने के बाद अब इस लंबे फंदे को हमने पीछे लेके जाना है, इन दोनों फंदों को आगे लेके आना है, फिर तीनों फंदों को सीधा बना लेना है। इन्हीं फंदों को दोबारा से रिपीट करेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, उल्टा फंदा बनाने के बाद ये पहला फंदा हम छोड़ेंगे, इन दो फंदों में पीछे से सिलाई डाल लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब इस आगे वाले फंदे को निकाला, यहां ले आए, इन दोनों फंदों को यहां, धागा दूसरी तरफ, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस आगे वाले फंदे को छोड़ेंगे, पीछे वाले दोनों फंदों में ऐसे सिलाई डालेंगे, इस फंदे को यहां ले आएंगे इस तरह से, इन दोनों फंदों को आगे। तीनों फंदों को आपने सीधा बनाना है, एक दो तीन। अब लास्ट बार फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस लंबे फंदे को पीछे, इन दोनों फंदों को आगे लेके आना है, पीछे से ऐसे सिलाई डाल लेनी है दोनों फंदों में। निकाला, इस लंबे फंदे को हम यहाँ पर, इन दोनों फंदों को यहाँ ले आएंगे और तीनों को सीधा बनाएंगे, एक दो और ये तीन, इस तरह से। लास्ट में ये दो फंदे बचेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए एक उल्टा एक सीधा। ऐसे करते हुए डिजाइन की तीसरी सिलाई, थर्ड रो हमने पूरी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब रो फोर, चौथी सिलाई है डिजाइन की जो हमने उल्टी तरफ से बनानी है। फर्स्ट फंदा उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करते हुए तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन। अब इस एस स्टिच को छोड़कर यहां से यहां तक ये डिजाइन है, इसी डिजाइन को रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे, फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक दो तीन फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, लास्ट का ये एक फंदा उल्टा। ऐसे करते हुए डिजाइन की हमने फोर्थ रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो फ्रेंड्स, ये चार सिलाइयों का ही हमारा डिजाइन है। इन्हीं चार सिलाइयों को आपने बार बार रिपीट करते जाना है। अब फर्स्ट रो से इस डिजाइन को आपने दोबारा से बनाना स्टार्ट करना है। आगे आगे फ्रेंड्स आप इस डिजाइन को बनाते जाओगे तो देखिए ये इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा आपका डिजाइन बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत सुंदर डिजाइन है। तो इसी डिजाइन को, इन्हीं चार सिलाइयों को आपने रिपीट करना है। चार चार फंदों का ही डिजाइन है। आगे आगे आप बनाते जाइए, इस तरह से ब्यूटीफुल डिजाइन बनकर रेडी हो जाएगा। लाइट डार्क किसी भी कलर में आप बना सकते हैं। हर एक कलर में ये इतना ही सुंदर और इतना ही प्यारा बनकर आएगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। मैं फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।